जय हिंद डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानना है और नहीं पता है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। आप लिखिएगा यूट्यूब पर जाकर फिजिक्स टाइम अंजनी, तो आपको फिजिक्स टाइम का यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। और फिर वहां पर जाकर आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट देखेंगे कि हमने बना रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। उसमें आपको मिलेगा सारा कंटेंट लाइट से रिलेटेड, जो कुछ एकदम सीरियल से पढ़ाया गया है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाया गया है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखना है, तो उस घटना को हम प्रिज्म में अगर देखेंगे तो दो तीन तरीके से देखेंगे यहाँ पर, और उन तरीकों को हम लिखेंगे जिन जिन तरीकों से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के साथ देखने वाले हैं। पहली कंडीशन तो हम ये लेकर देखेंगे कि एक ऐसा प्रिज्म है अपने पास जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। और ऐसे प्रिज्म को हमको लेना है, ऐसे प्रिज्म को हम राइट एंगल्ड प्रिज्म भी बोलते हैं, राइट एंगल्ड प्रिज्म। और राइट एंगल्ड के साथ एक और वर्ड जोड़ रहे हैं हम, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आइसोसेलस प्रिज्म भी बोलते हैं। और एक नाम से भी इसको जानते हैं, आप वो नाम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो याद रखना, एक ऐसा प्रिज्म अपने पास है जिसको हम तीन नामों से जानते हैं। एक नाम तो हमारे पास हो गया, क्या हो गया, एक तो ये हो गया जिसको 45, 90 और 45 का प्रिज्म बोलते हैं, और दूसरा हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म हो गया, और तीसरा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया। एक ही कंडीशन के तीन नाम हम जान सकते हैं, यहाँ पर ऐसे होते हैं। दूसरा केस क्या हो गया प्रिज्म का, कि हम लोग प्रिज्म ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री भी ले सकते हैं, प्रिज्म ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री भी ले सकते हैं, और जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और उसका नाम क्या है, इक्विलैटरल प्रिज्म नाम दे सकते हैं। और एक और कंडीशन है अपने पास, और वो कंडीशन नंबर थर्ड है, और उसका नाम है 30 डिग्री एक एंगल होगा, दूसरा 90 डिग्री होगा, और फिर 60 डिग्री एक एंगल होगा। और ऐसा प्रिज्म जिसका भी स्पेसिफिक नेम है, और उसका क्या है स्पेसिफिक नेम, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है राइट एंगल्ड प्रिज्म। क्या नाम है उसका, राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो अपने पास ऐसे तीन प्रिज्म हैं जिससे हमको क्या देखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है, ये हमको देखने हैं। तो हम लोग पहली कंडीशन लें, फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 45 डिग्री वाला प्रिज्म लेते हैं, जिसको हम लोग राइट एंगल्ड प्रिज्म भी कह सकते हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म कह सकते हैं, या फिर हम उसको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो अब मैं अगर कहीं पर टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कह देता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि एक एंगल 45, दूसरा 90 और तीसरा 45 डिग्री का है, जिसको सर ने टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कह दिया है, क्योंकि अब मैं हर जगह टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ही बोलूँगा, ठीक है। तो इसके तीन केसेस होते हैं, उन तीन केसेस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम
उस पर्टिकुलर केस की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तीन केसेस होंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट केस इसका क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमको देखना है राइट एंगल प्रिज्म से, लेकिन फर्स्ट केस क्या होगा कि टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री। जब कभी भी लाइट को ऐसे है लाइट और उसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा देना है, या लाइट ऐसे है और इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा देना है, या लाइट ऐसे है इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा देना है, या लाइट ऐसे है इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा देना है। तो जब कभी भी ऐसे रोटेट करा देना है लाइट को, और कितना 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट करा देना है, तो हम लोग ये वाला केस यूज करने वाले हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट है, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री। दूसरा केस क्या है इसका, सेकंड केस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं कि टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 180 डिग्री। लाइट को जब हमको 180 डिग्री पर क्या करना है, जैसे यह है कोई एक ऑब्जेक्ट, उसका इमेज ऐसे बना देना है, कोई ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ऐसे बना देना है, तो 180 डिग्री पर आप देख रहे हो कि अगर इमेज बनाना है हमको, तो भी हम इसी राइट टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करने वाले हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म या हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करने वाले हैं। जब कभी भी हमको ये ऑब्जेक्ट का इमेज 180 डिग्री पर घुमाना हो या ऑब्जेक्ट का इमेज 90 डिग्री पर घुमाना हो, तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द प्रिज्म, दैट इज द 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसको बोलेंगे, या राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। थर्ड केस हम क्या करेंगे, थर्ड केस हम इसके लिए लिखते हैं कि थर्ड केस क्या होगा इसके लिए, कि थर्ड केस कैसे यूज करने वाले हैं हम लोग। तो थर्ड केस यूज करते हैं टू इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट को इन्वर्ट करना है, इरेक्ट को तो इन्वर्ट करना है, लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए, लाइट हमारी डेविएट नहीं होनी चाहिए अपने पाथ से। तो लाइट डेविएट भी नहीं हो रही है और इरेक्ट को इन्वर्टेड, इन्वर्टेड को इरेक्ट भी कर रहे हैं हम लोग। तो इन तीन वे ऑफ द प्रिज्म वी कैन यूज इन बाई द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से इन तीन तरीके के हम वे को यूज करेंगे। तो लेट्स मूव फर्स्ट टाइप ऑफ वे, दैट इज द टोटल डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री। तो हेडिंग क्या बनाओगे आप, उसको भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। तो हेडिंग है अपनी टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री। ये हमारी हेडिंग है आगे के टॉपिक का। तो वी हैव अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म अच्छा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि वी आर सेइंग द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसको हम क्यों कह रहे हैं, ये हमने तो बताया ही भी नहीं, क्यों कह रहे हैं बताओ, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हम इसको क्यों कह रहे हैं बताइए,
क्यों बोल रहे हैं टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, मैं बता देता हूँ रीजन। अब प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक ऐसा प्रिज्म जिसके पास क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, बिटवीन कहाँ पर हो, बिटवीन इट्स टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो बेटे, इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, किस कितना हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो अपने पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ, ठीक है, और इसके बीच में ये एंगल कितना हो, 90 हो। अब प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री बिटवीन इट्स टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड अदर टू एंगल इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू कितना हो, 45 डिग्री, इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म क्या है, कि अ प्रिज्म हैविंग एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन इट्स टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड अदर टू एंगल और ईच ऑफ द 40 इज इक्वल टू द 45 डिग्री इज कॉल्ड द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसीलिए इसको टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब कारण भी बता देते हैं, बिकॉज द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली लाइट कैसे इंसिडेंट कराते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं, मान लो ऐसे आया ये लाइट, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट करवा दिया, ये ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट करवा दिया लाइट का, ऐसे ये नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट का, ये ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट का, नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंट करवाए तो क्या हुआ, ऑन एनी ऑफ इट्स फेस सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी हम बताते हैं आपको इनसाइड द प्रिज्म ऐसा क्यों हुआ, ये भी रीजन आपको बताते हैं, ड्यू टू दिस ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक भी देख लो आप, ड्यू टू दिस, या आप ऐसे छोड़ो, अभी सब रीजन हम बता देते हैं कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अब देखो क्या हमने बताया रीजन, कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी ऑफ इट्स फेस सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर हम ग्लास और एयर पेयर के लिए देखें, किसके लिए, पेयर के लिए देखें, तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री होती है फॉर द ग्लास एंड एयर पेयर के लिए, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ एंगल यहाँ पर मिलता होगा आपको, देखो ये एंगल आपको 45 डिग्री है, ये 90 हो गया है, ये 45 डिग्री है, ज्योमेट्री से देखोगे तो ये 90 हो गया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉल हुआ है, कैसा हुआ है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आई की वैल्यू भी जीरो हो गई और यहाँ पर आर की वैल्यू भी जीरो हो गई, और ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो गया, और अगर ये 45 डिग्री हो गया तो अब आप देखो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो और यहाँ पर भी एक क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, दोनों जगह पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या है, 45 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा,
ये कितना बनेगा आप बताओ, आप कितना बनेगा ये? तो ये भी 45 बनेगा। कितना बनेगा? 45 बनेगा। क्यों 45 बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 है, ये कितना है 90 है, और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये 45 हो गया। अब आप देखो ज़रा इसको ध्यान से कि ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो इसको आई से रिप्रेजेंट करोगे, और आई की वैल्यू कितनी है 45, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है 42 है। अब आप ज़रा ध्यान से देखो कि आई ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। आई की वैल्यू 45 डिग्री है और सी की वैल्यू 42 डिग्री है, तो आप देख लो कि 45 डिग्री है यहाँ पर, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल से, तुरंत क्या हो जाता है, टी आई आर हो जाता है, यानी कि इट यहाँ पर अकर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर अकर होगा, यहाँ पर अकर होगा, तो फिर लाइट अपने उसी मीडियम में सेंट बैक हो जाएगी, लाइट अपने उसी मीडियम में सेंट बैक हो जाएगी। और अगर लाइट अपने उसी मीडियम में सेंट बैक हो गई, तो फिर ये लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, लाइट इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, फिर लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी। और आप ये कैसे आएगी, आप इसके पीछे भी लॉजिक में बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि कैसे आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से अगर ये आई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी आर होगा, ये आर होगा, आर का मतलब ये है मेरा, आर का मतलब ये है मेरा, ये आर होगा, ये आर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये आर की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी। और अगर ये 45 हो गया, तो ये 45 हो गया, इसकी ज्योमेट्री समझो, ये 45 हो गया, और अगर ये 45 पर हो गया, तो ऐसे ये लाइट आ जाएगी, ऐसे लाइट आ जाएगी, और लाइट ऐसे आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फॉल होगा, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ के लिए जीरो और आर की वैल्यू यहाँ के लिए जीरो, तो इस तरीके से आ जाएगी ये, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि ये इतना हो जाएगा, क्योंकि ये 45 है और ये 45 है, ये 45 है, ये 90 कैसे आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये 45 और ये एंगल भी 45, तो ये अपने आप 90 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और सेम जो कंडीशन यहाँ पर लग रहा है कि ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45 है, ये 45 है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, तो नॉर्मल इंसिडेंट हो ही जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो और आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो गया। और लाइट हमारी कैसे होगी, लाइट हमारी कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, लाइट हमारी कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी। तो ये केस हमने आपको प्रॉपर समझाया कि सफ़र द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ है। और जो आप यहाँ पर देखो, जो ऑब्जेक्ट ऐसे था, जो ऑब्जेक्ट ऐसे था, जिस ऑब्जेक्ट का नाम था पी और क्यू, जिस ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, पी और क्यू। अब ज़रा आप देखें गौर से, यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ, एक कलर रहेगा तो ठीक रहेगा, ये वाला देखो, ये वाला, ये कलर, ये वाला कलर। तो अब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा कि पी क्यू जो है ना, वो देखो क्यू यहाँ आके क्या हुआ है, क्यू डैश बन गया है, क्या बन गया है, क्यू डैश बन गया है, और पी यहाँ आके पी डैश बन गया है। अब आप देखोगे ध्यान से तो जो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मिला हुआ था, जो ऑब्जेक्ट ऐसे मिला हुआ था, वो ऑब्जेक्ट कुछ अब ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है, 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है, ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट हो चुका है वो ऑब्जेक्ट। तो आप देखो, जो एम था मेरा, जो एम था फर्स्ट वाला कि टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू द 90 डिग्री, वो हमारा जो एम था वो कंप्लीट हो गया है कि 90 डिग्री से हमने ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या किया है, रोटेट करवा दिया है, ठीक है, रोटेट क्या किया है, करवा दिया है यहाँ पर। और आपको बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लगाते हो ना, यहाँ पर एक मिरर रख दो आप, अगर मान लो एक मिरर रख दो, तो ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेगी,
स्ट्राइक करके फिर अपने उसी पाथ को ओबे कर लेगी, अपने उसी पाथ को ओबे कर लेगी और यहाँ आके फिर ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ वैसे ही शो करा देगी, वैसे ही दिखा देगी। ठीक है बेटे, तो हमारा ये जो फर्स्ट एम था कि ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करा देना या डेविएट करा देना, वो एम हमने आपको बताया। एक चीज़ अच्छा यहाँ पर देखो, अगर इस प्रिज्म का नाम दे दें और इस प्रिज्म का सपोज कर लो कि ये नेम ए है, ये बी है और ये सी है, तो फेस ए सी को ज़रा गौर से देखो, आप फेस ए सी को देखो, यहाँ पर फेस ए सी का बिहेव क्या होगा, फेस ए सी का बिहेव क्या होगा बताओ आप, बिहेव ए सी का बिहेव क्या होगा बोलो आप, तो ए सी का बिहेव आपको कैसा लग रहा है बोलो, इसका बिहेव कैसा लग रहा है, एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लग रहा है कि नहीं है, लग रहा है एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लग रहा है, एज द अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लग रहा है तो आपको ये लग रहा होगा कि जैसा कि एक ये प्लेन मिरर है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लेन मिरर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में इसमें सारी की सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो इंटेंसिटी इस इंसिडेंट लाइट की है, इस इंसिडेंट लाइट की है, वही लाइट इस रिफ्लेक्टेड लाइट की भी है, 100% एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोथ इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ आर सेम की होगी, दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये कर लिया, अगर हमें फर्स्ट पोर्शन का यूज बताना हो तो यूज कैसे बताएंगे हम, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, यूजेज, इसका फर्स्ट कंडीशन का यूज क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन का यूज क्या है कि ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के इस वाले एक्शन को हम जहाँ पर यूज करते हैं उसे बोला जाता है पेरीस्कोप में यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, पेरीस्कोप में यूज करते हैं, और ये पेरीस्कोप किसकी प्लेस पर यूज करते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, तो किसकी जगह पर यूज करते हैं, प्लेन मिरर की प्लेस पर यूज करते हैं, प्लेन मिरर पहले हम लगाते थे और प्लेन बाद में प्लेन मिरर को हटाकर हम प्रिज्म भी लगाने प्रिज्म लगाने लगे और इस TIR वाली टेक्निक को यूज करने लगे, तो हम प्लेन मिरर से ज़्यादा बेहतर और ब्राइटेस्ट इमेज और या ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी की इमेज हमको दिखने लगी जो पेरीस्कोप में हम यूज करते हैं प्लेन मिरर की जगह पर, तो इसका यूज हम लोग पेरीस्कोप में करते हैं, कहाँ पर करते हैं, पेरिस्कोप में, और किसकी जगह पर करते हैं, प्लेन मिरर की जगह पर करते हैं। ठीक है बेटा, दोनों में प्लेन मिरर हटा के हम इसको जो प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हम लोग लिए हैं इसमें क्या डिफरेंस है, तो याद रखना रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में इंटेंसिटी 100% होती है और इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन प्लेन मिरर में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो इसका एक केस तो हमने देखा, ये वाला केस चलो देखते हैं, ये वाला केस, टोटल डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, चलो ये वाला केस भी देख लेते हैं हम लोग, तो टू डेविएट, पॉइंट नंबर सेकंड, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 180 डिग्री। अब हमको लाइट को डेविएट करना है कितना, 180 डिग्री से डेविएट करा देना है, 180 डिग्री से डेविएट करा देना है, तो थोड़ा सा हमको प्रिज्म का ओरिएंटेशन भी चेंज करना पड़ेगा, और वो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने प्रिज्म का कुछ इस तरीके का एक शेप बना दे रहे हैं। ये तो प्रिज्म का अगर ये शेप आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो मैं या तो रुको ऐसा बनाते हैं, ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रिज्म का ये वाला एंगल जो है वो बी था, बी वाला एंगल 90 डिग्री पर है और ये सरफेस ए और ये सरफेस बी, ये सी, ये सरफेस क्या होगा, सी होगा, ये सरफेस सी होगा, और अगर ये 90 पर है तो हमने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म लिया है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म लिया या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिया है, तो ये वाला 90 होगा तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा,
और हमने क्या कहा आपको कि हमको इमेज जो लेना है ऑब्जेक्ट का 180 डिग्री पर डेविएट करा के लाइट को लेना है। तो अगर 180 डिग्री पर ऑब्जेक्ट का इमेज डेविएट करा के लेना है तो चलो ले लो। और एक लाइट हम ऐसे लेते हैं, एक लाइट ऐसे लेते हैं, और एक लाइट हम लोग चलो ऐसे बना लेते हैं, एक लाइट ऐसे ले लेते हैं, या रुको रुको ऐसे नहीं करते हैं, एक लाइट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, और एक लाइट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, ये लाइट, दो लाइट हमने लिया है। ये लाइट अब आप देखो, ज़रा बताओ यहाँ से देखो, ये 45 है, ये नॉर्मल इंसिडेंट करवाया है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, आई की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू भी 0 है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हुआ तो ये कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ, तो ये 45 डिग्री हुआ। और अगर ये 45 डिग्री हुआ तो अब आप ज़रा बताओ कि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्लेक्ट नहीं भी हुई, ऐसे सोचो, रिफ्लेक्ट अभी नहीं हुई है, ऐसे सोचो कि ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 45 ही तो होगा। और अगर ये 45 हुआ तो, और ये 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, थोड़ा सा पेन और पतला करते हैं तब आपको समझ में आएगा, ये देखो ये 90 है और ये 45 पर इंसिडेंट हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। अब आप बताओ कि आई की वैल्यू 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो गया, यानी कि 45 ग्रेटर देन 42 हो गया। अब बताओ TIR सफ़र करेगा कि नहीं करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो ये लाइट कैसे जाएगी, कितने एंगल पर जाएगी ये बताओ आप। तो ये लाइट 45 एंगल पर जाएगी। क्यों 45 एंगल पर जाएगी, क्योंकि जब लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जा रही है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जब ओबे करेगी तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आई जब यहाँ 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आर भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपकी ये वाली लाइट भी ऐसे ही जाएगी, ठीक यही कंडीशन यहाँ भी होगी। क्या कंडीशन होगा, मैं फिर उसको ड्राइव कर दे रहा हूँ, क्या कंडीशन होगा देखो, ये हमारा है 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये नॉर्मल है, तो ये 45, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी 45 और ये भी 45, और फिर ये लाइट यहाँ पर आएगी। अब लाइट यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। और अब बताओ ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा और यहाँ पर TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है इस वाले पॉइंट पर, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45 है आई की वैल्यू। अब बताओ आई की वैल्यू अगेन 45 डिग्री हो गया, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, अब बताओ आई ग्रेटर देन सी हो गया है, यानी कि 45 ग्रेटर देन 42 हो गया है, तो फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा तो ये रिफ्लेक्ट होएगी लाइट, ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होएगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होएगी। और अगर अब देखो कि ये 45 तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये 45 हो जाएगा, क्यों ये 45 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 45 हो गया, ये भी तो 45 हो जाएगा। तो अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 डिग्री ऐसे यहाँ आएगा,
यहाँ आएगा। तो अब देख लो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ कैसे पता चला कि ये नॉर्मल आ रही है, इस वाले आर्म पर ये नॉर्मल आ रहा है, आप यहाँ पर देखो, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप ऐसे देखो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखो यहाँ पर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा, तो बचा हुआ ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा। और ये नॉर्मल इंसिडेंट्स की कंडीशन में, नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन में अब आप ज़रा देखो ध्यान से कि इस वाली रेज को ध्यान से देखो, इस वाली रेज को जो ब्लू कर रहा हूँ मैं, ये ब्लू कर रहा हूँ, जो ये जो ब्लू कर रहा हूँ, ये देखो ये ब्लू कर दिया ना इसको। अब देखो ये वाली जो अगर हम इमेज लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम पी और क्यू रख रहा हूँ। अब ज़रा देखो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, क्यू डैश और पी डैश, 180 डिग्री का डाइवर्जन दे दिया कि नहीं दे दिया, 180 डिग्री का डाइवेशन आ गया कि नहीं आ गया, हमारा एम कंप्लीट हुआ कि नहीं, टू डाइविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 180 डिग्री, एम कंप्लीटेड, 180 डिग्री का डाइविएशन हमें देना था इमेज को ऑब्जेक्ट से, किसके ऑब्जेक्ट से इमेज को हमको इतना देना था, हो गया इतना, यहाँ पर हो गया इतना, दो बार यहाँ पर लेकिन TIR हुआ, एक बार यहाँ इस सरफेस पर TIR हुआ, एक बार इस सरफेस पर TIR हुआ, एक बार ए बी सरफेस पर TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार बी सी सरफेस पर TIR हुआ, दो बार TIR होता है तो 180 डिग्री का डेविएशन आ जाता है, एक बार TIR होता है, देखो एक बार TIR होता है तो 90 डिग्री का डेविएशन आ जाता है, ये भी याद रखना, दो बार TIR हुआ तो 180 डिग्री का डेविएशन, एक बार TIR हुआ तो 90 डिग्री का डेविएशन हो जाता है, ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। चलो इसका यूज बताओ, यूज क्या करोगे आप, यूजेज बताओ इसका, यूज क्या करोगे इसका। तो यूज बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो एक्शन ऑफ प्रिज्म है, ये जो एक्शन ऑफ प्रिज्म है कहाँ पर यूज करते हैं इसको, तो यूज्ड इन अ बाइनोकुलर, कहाँ यूज करते हैं इसको, बाइनोकुलर में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं इसको, और कहाँ यूज करते हैं, कैमरा टू कहाँ पर यूज करेंगे, इन्वर्ट द इमेज विथाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी, इस तरीके से यूज करते हैं। राइट एंगल्ड प्रिज्म जो होता है, या हम कह सकते हैं कि जो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, इसका यूज हम कैमरा में करते हैं क्या करने के लिए, इन्वर्टेड इमेज को बिना किसी इंटेंसिटी लॉस किए हुए, ठीक है, इन्वर्टेड द इमेज विथाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो इन उल्टा इमेज को सीधा करने में हम कह सकते हैं ये जो भी यहाँ पर ये एक्शन ऑफ प्रिज्म है, ये कैमरा या बाइनोकुलर में यूज करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंटेंसिटी का कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग जो प्रिज्म का एक्शन है, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग आइसोसेलेस प्रिज्म था, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहें, या हम ऐसे ही कहें कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, इसका थर्ड वाला एक्शन हम चल रहे हैं करने, कौन सा, थर्ड वाला एक्शन चल रहे हैं करने। तो थर्ड एक्शन देखो क्या है, थर्ड एक्शन था टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विथाउट डेविएशन, बिना डेविएट किए यूज करना है, क्या करना है, बिना डेविएट किए यूज करना है। अब इसको, अब अगर डेविएट नहीं करना है तो कैसे हम बनाएं इस बात को, तो कुछ करना नहीं है आपको, कोई काम धाम नहीं करना है, बस जो प्रिज्म है
उस प्रिज्म को वैसे ही बना दो आप, जो प्रिज्म है उसको ऐसे ही बना दो आप, ऐसे ऐसे ही बना दो, और ये ए पोर्शन होगा, ये आपका बी पोर्शन होगा, और ये आपका, हाँ ठीक, तो जो 90 डिग्री पर था वो कौन सा पोर्शन था? 90 डिग्री वाला बी पोर्शन पर था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, बी वाला 90 और ए वाला आपका 45 था और सी वाला भी 45 पर ही था, तो ए 45 पर होगा और आपका सी भी 45 डिग्री पर होगा, ये भी 45 डिग्री पर होगा। हमें एक्शन याद रखना है, क्या करना है कि इरेक्ट इमेज लेना है इन्वर्टेड का, या इन्वर्टेड का इरेक्ट, या इरेक्ट का इन्वर्टेड लेना है, लेकिन इमेज में कोई भी डेविएशन नहीं आनी चाहिए, दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द गेटिंग ऑफ इमेज, इमेज के पाने में ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो याद रखना होगा। तो क्या करना होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से क्या करो आप, यहाँ पर एक रे ले लो आप, यहाँ पर एक रे ले लो और यहाँ पर एक रे ले लो, ये दो रे ले लिया हमने, दो रे ले लिया, और इन दोनों रेज का कंडीशन क्या है कि एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, और हमें पता है कि ये कैसा मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, और रेरर मीडियम से ये वाला जो हमारा प्रिज्म है ये डेंसर मीडियम है, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। जब कोई भी लाइट ऐसे आती है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगा, ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगा, और नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगा, देखो ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, और फिर एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे इस सरफेस पर भी, एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे इस सरफेस पर भी, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और क्या पाओगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई है, वो आई वी क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, वो बड़ा होगा, वो आई वी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और जब आप पाओगे कि वो आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये लाइट सफ़र करेगी फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, फिर से सफ़र कर जाएगी किसके केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, ये ऐसे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ऐसे, और ये वाली जो लाइट है वो सफ़र करेगी ऐसे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से ऐसे सफ़र करेगी, और ये लाइट यहाँ पहुँच जाएगी, ये लाइट यहाँ पहुँच जाएगी, और ये एंगल भी I इक्वल टू R ही होगा, ये एंगल I इज इक्वल टू R ही होगा, और फिर अब ये यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जो लाइट यहाँ पर पहुँची है, जो लाइट यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो अब लाइट क्या होगा कि डेंसर मीडियम से फिर से रेरर मीडियम में आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगा, और नॉर्मल से दूर हटेगा तो लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलेगी, कुछ लाइट इस तरीके से यहाँ पर चलेगी, और आप क्या पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका पी और क्यू था, वो ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया है, वो ऑब्जेक्ट अब ऐसे कुछ हो गया है, हो गया है क्या, पी डैश और क्यू डैश डेविएट नहीं हुई है, ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा है, यहाँ पर लाइट भी डेविएट नहीं हुई है, बस ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड का इरेक्ट और इरेक्ट का इन्वर्टेड आ गया है, मैं कलर करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा कहाँ पर हुआ है, देखो ये वाला पाथ आप लाइट का चूज करो, ये वाला पाथ, ये देखो ये लाइट का पाथ, देखो ब्लू कलर से हमने कर दिया, तो आप देखोगे लाइट का पाथ चेंज नहीं हुआ, लाइट डेविएट नहीं हुई, बट द कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इरेक्ट था उसका इमेज इन्वर्टेड आ गया, इन्वर्टेड इमेज आ गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, इन्वर्टेड इमेज आ गया है, और ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा केस भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसे इरेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे इरेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं, और इसका यूज अगर मैं आपको बता दूँ तो यूज इसका कहाँ करते हैं, तो यूज इसका करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, जो स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं वहाँ पर इनके यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि हमने जो ये प्रिज्म वाला पोर्शन उठाया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन आप प्रिज्म हमको देखना था, तो हमने राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिया, जिसमें एक एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसका एक जो पॉइंट था ये था, दूसरा पॉइंट था कि प्रिज्म ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री, जिसे इक्विलेटरल प्रिज्म कहते हैं, और दूसरा 30, 90 और 60 का लिया, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो हमने जब फर्स्ट केस उठाया यहाँ पर 45, 90, 45, या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म या टोटल या राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया, तो उसका ये तीन केस बनाया, और तीनों केस हमने इस वीडियो के अंदर डील कर लिया, तीनों केस इस वीडियो में हमने डील कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बुक का लेंथ बहुत लेंदी हो जाएगा अगर यही ये केस और ये केस भी इसी में देखेंगे, तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा के ऊपर का ये दोनों केस है, तो ये वीडियो लगभग 80-90 मिनट यानी 1.5-2 घंटे का चला जाएगा। और इतना फुल लेंथ वीडियो लोग देखने से अवॉइड करते हैं, लोगों को बहुत शॉर्ट में, बहुत कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वही बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक मुझे उसे दूसरे वीडियो में कवर करना चाहिए, तो सो इसको देखकर मैं उसे दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ये पॉइंट नंबर सेकेंड और थर्ड को। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।